नमस्कार, पत्रिका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आग की लपटों में कमरे में सो रहे मासूम को बचाए। सख्ती के चलते हाई स्कूल के 186 छात्रों ने की परीक्षा से तौबा। राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। अंतर्राज्यीय गैंग के दो सदस्यों से 20 कट्टे व कारतूस बरामद। मंदिर से मूर्ति चोरी, थाने में दर्ज कराई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुशवाहा के घर पर रविवार की रात 5 बदमाशों ने बंदूक से फायरिंग की। गोलियां मकान की दीवार और दरवाजे में धस गईं। बदमाश करीब 4 मिनट तक घर के बाहर मौजूद रहे, फिर कार से भाग गए। मौके से 315 बोर की 3 गोलियां मिली हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। बदमाशों ने उनके घर पर गोलियां क्यों चलाई वह नहीं बता सकते। घर के गेट पर लगे सीसीटीवी में बदमाशों की हरकत रिकॉर्ड हो गई है। उर्मिला बिहार माधोगंज निवासी सुनील कुशवाहा यूथ कांग्रेस में लोकसभा उपाध्यक्ष हैं और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि शिव कॉलोनी गुड़ा में भी उनका मकान है और दफ्तर है, इसलिए अक्सर वह गुड़ा में मकान पर रुकते हैं। रविवार की रात भी काम के सिलसिले में रुके थे। रात करीब 11:04 बजे बदमाशों ने उनके ऑफिस और घर को टारगेट कर फायरिंग की। पहली गोली दरवाजे में दसी, उसकी आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने पत्थर मारा हो तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2 गोलियां और चलने की आवाज़ आई, तब उन्हें आभास हुआ कि उनके घर पर फायरिंग हो रही है। छत से झांककर देखा तो घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर कार खड़ी थी। 2 बदमाश गोलियां चलाने के बाद बंदूकें लेकर भाग रहे थे। उनका एक साथी कार के बाहर खड़ा था। 2 लोग कार में पहले से बैठे थे, इसके बाद सब कार में बैठकर भाग गए। लायंस क्लब के 22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 व 2 के 10-11 मार्च को होने वाले चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह चुनाव मेंबर्स को मतपत्र जारी करने को बनाई गई क्रेडेंशियल कमेटी में लायंस क्लब सिटी के ही मेंबर शामिल किए जाना है। लायंस इंटरनेशनल नियमों के अनुसार कमेटी में अलग अलग क्लबों के मेंबर शामिल होना चाहिए। प्रत्याशी अशोक ठाकुर ने लायंस इंटरनेशनल में इसकी शिकायत की है। लायंस क्लब ग्वालियर सिटी 32-33E1 की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस मीमांसा का आयोजन 10 व 11 मार्च को शहर में होगा। इसमें BDG 1 और 2 के चुनाव होंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नितिन मांगलिक ग्वालियर के हैं, इसलिए बरसों बाद यह चुनाव यहां होने जा रहा है। मतपत्र जारी करने क्रेडेंशियल कमेटी बनाई गई है, जिसमें लायंस क्लब सिटी के नितिन मांगलिक, पूर्व प्रेसिडेंट साकेत गुप्ता, पूर्व प्रेसिडेंट संजीव निगोतिया व मेंबर शिवशंकर अग्रवाल शामिल किए गए हैं। ये सभी मेंबर एक ही क्लब के हैं, इसलिए चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कैंडेंशियल कमेटी अपने ग्रुप के क्लब मेंबर्स के मतपत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है और विरोधी ग्रुप के रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी से बंद कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 132 क्लब आते हैं। इनके मेंबर्स चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लब में 10 मेंबर्स पर एक वोट की प्रक्रिया है। यदि किसी क्लब में 100 मेंबर हैं तो 10 मेंबर वोट डाल सकते हैं। निःशुल्क आयोजन की पेशकश करने वाले कलाकारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता। जिन संस्थाओं या कलाकारों ने कम खर्च में बेहतर आयोजन करने का प्रस्ताव दिया था, उनके नामों पर विचार ही नहीं किया जा रहा। 17-18 मार्च को होने वाले नव संवत्सर उत्सव के आयोजन की तैयारियों की बैठक में आरोप प्रत्यारोप लगे। ग्वालियर निःशुल्क आयोजन की पेशकश करने वाले कलाकारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है। जिन संस्थाओं या कलाकारों ने कम खर्च में बेहतर आयोजन करने का प्रस्ताव दिया था, उनके नामों पर विचार ही नहीं किया जाता। जब सब कुछ पहले से ही तय कर लिया गया है तो फिर हमें बुलाया ही क्यों गया है। यह बैठक 2 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब जब आयोजन के कुछ ही दिन बचे हैं तो सोमवार को सुबह 11 बजे फोन पर सूचना देकर दोपहर में बैठक कर ली गई। कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच 17-18 मार्च को होने वाले नव संवत्सर उत्सव के आयोजन की तैयारियों की बैठक में आरोप प्रत्यारोप लगे। सदस्यों ने कहा कि दतिया की संस्था को बगैर प्रस्तुति के ही 50,000 का भुगतान किया गया है, जबकि पिरामिड बनाने के लिए 40 बच्चों की ड्रेस पर 35,000 रुपए किराए के खर्च कर दिए गए। इससे अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ा है, जबकि यह बोझ बहुत कम हो सकता था। नव संवत्सर 2018 की तैयारियों को लेकर हुई बैठक के दौरान संस्कार भारती, लश्कर और ग्वालियर के सदस्यों के बीच बहस में यह बातें सामने आई हैं। बैठक में महापौर विवेक सेजवालकर, निगमायुक्त राजा मानसिंह, संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा, डॉक्टर बीणा जोशी, जनसंपर्क अधिकारी मधु सोलापुरकर, राधा किशन खेतान, राम मोहन त्रिपाठी,
गीतांजलि गिरवाल, संध्या तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बड़े नोटों 500 और 2000 रुपए की इन दिनों भारी किल्लत बनी हुई है। बाजार में जहां 100 और 200 रुपए के नए नोट मिल रहे हैं, वहीं 500 और 2000 के नोट गायब से हो गए। एटीएम के साथ साथ बैंकों में भी इनका मिलना मुश्किल हो रहा है। बड़े नोटों 500 और 2000 रुपए की इन दिनों भारी किल्लत बनी हुई है। बाजार में जहां 100 और 200 रुपए के नए नोट मिल रहे हैं, वहीं 500 और 2000 के नोट गायब से हो गए हैं। एटीएम के साथ साथ बैंकों में भी इनका मिल पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ समय पूर्व आरबीआई की ओर से इन नोटों को बड़ी संख्या में भेजा गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बड़े नोटों को डंप कर दिया गया है। इसके चलते आमजन को ये बड़े नोट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बैंकों के आला अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े बड़े नोट जनता के पास जाने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं। आरबीआई के एक बयान में कहा गया था कि नोटबंदी के बाद 99% नोट 500 और 2000 रुपए के नोट चलन में हैं, फिर ये बड़े नोट बाजार से कहां गायब हो रहे हैं, ये सवाल सभी को कठोच रहा है। जानकारों की माने तो ये बड़े नोट हवाला कारोबार में राजनीतिक पार्टियों और बड़े उद्यमियों के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में आम जन को छोटे नोटों से ही अपना काम चलाना पड़ रहा है। बाड़ा एसबीआई की इसके विशेषीकृत मुद्रा प्रबंधन शाखा 13 जिलों की बैंकों को नकदी देती है। इसकी लिमिट 1000 करोड़ है। सूत्रों के अनुसार यहाँ लिमिट का 1/5 हिस्सा ही बचा है। 20 दिन से आरबीआई नोट नहीं भेज रहा। 500 और 2000 रुपए के बड़े नोटों की तंगी झेल रहे शहर को एटीएम में 200 रुपए के नए नोट मिल रहे हैं। वहीं यदि वह बैंक में कतार में लगकर नोट निकाल रहा है तो उसे 100 रुपए के नोटों की गड्डी दी जा रही है। भिंड वीटीआई रोड इलाके में स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने के दौरान कमरे में चारपाई पर सो रहे 1.5 वर्षीय मासूम को पड़ोसी युवक ने जान पर खेलकर बचा लिया। घटना देहात थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय राजू राठौर पुत्र रामसिया राठौर के घर की दूसरी मंजिल के अंदर वाले कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आगजनी के दौरान राजू राठौर घर के बाहर खड़ा था, जबकि उसकी पत्नी नीचे खाना बना रही थी। पड़ोसियों ने दूसरी मंजिल के कमरे में धुएं के साथ आग की लपटें निकलती देखी तो राजू राठौर और उसकी पत्नी अपने मासूम बेटे को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। ऐसे में पड़ोसी युवक दिनेश सिंह व प्रमोद कुमार अपनी जान की परवाह किए बगैर सीढ़ी पर चढ़ गए और असहनीय तपन के बीच कमरे में जाकर चारपाई से बच्चे को सुरक्षित उठा लाए। 85,000 रुपए नकदी सहित 2 लाख से अधिक का नुकसान। आगजनी में कपड़े, राशन एवं गृहस्थी में रोजाना के उपयोग का अन्य सामान भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। वहां सूटकेस के प्लॉट के बैनामे के लिए रखे 85,000 रुपए भी जलकर खाक हो गए। एसडीएम ने मुआयना कर पटवारी से कराया नुकसान का आंकलन। सरकारी मदद दिलाने के उद्देश्य से एसडीएम संतोष तिवारी ने मौका मुआयना करने के उपरांत स्थानीय हल्का पटवारी को नुकसान का आंकलन कर राहत दिलाने के निर्देश दिए। असम के दीमापुर में शहीद हुए सेना के जवान अनूप सिंह तोमर का सोमवार को उनके पैतृक गांव भजनापुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का शव भजनापुरा पहुंचते ही अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान राजनेताओं सहित अधिकारियों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद अनूप सिंह को उनके छोटे भाई अनूप सिंह तोमर ने मुखाग्नि दी। पोरसा में भजनापुरा गांव निवासी अनूप सिंह तोमर असम राइफल्स में ड्राइवर के रूप में पदस्थ थे। 1 मार्च को अपने छोटे भाई अनूप से बात कर पूरे परिवार को होली की बधाई दी और माँ का ख्याल रखने को कहा। इसके बाद अपनी यूनिट के लिए पानी लाने का ऑर्डर मिला। टैंकर को लेकर जब अनूप संघ जा रहे थे, उसी समय खराब मार्ग पर टैंकर असंतुलित हो गया और सीधा खाई में जा गिरा, जिससे अनूप सिंह की मौके पर ही शहीद हो गए। उनकी पत्नी नीरू अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं, जिस पर सोमवार की सुबह सेना के जवान उनके सबको सुबह 6 बजे लेकर भजनापुरा उनके पैतृक गांव पहुंचे। सबके पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद को हजारों ग्रामीणों के साथ विधायक सत्य प्रकाश सकवार, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर, नपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जाटव, अभिनव छारी, मोहर सिंह तोमर, आनंद सिंह तोमर, महाराज सिंह तोमर, मोहन सिंह तोमर, राधेश्याम तिवारी, गब्बर सकवार, पूर्व विधायक बंसीलाल सहित नगरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवा, नायब तहसीलदार जंडेल सिंह तोमर सहित अन्य ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ पूरे गांव में शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां छोटे भाई अनुज सिंह तोमर ने उन्हें मुखाग्नि दी। किसी और की जगह हाई स्कूल का संस्कृत विषय का पेपर देने आए 5 फर्जी परीक्षार्थियों को बागसिनी में गिरफ्तार कर लिया गया। परीक्षा केंद्र के गेट पर तैनात कर्मचारियों ने उन्हें उसी वक्त पकड़ लिया जब वे अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा हाई स्कूल की परीक्षा में जिले के विभिन्न केंद्रों पर 56 नकल प्रकरण भी बने। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बागीचनी परीक्षा केंद्र पर सोमवार को 8:30 बजे परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हुआ। इस दौरान गेट पर चेकिंग के लिए तैनात कर्मचारियों ने 5 ऐसे युवकों को पकड़ा जो दूसरों को प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे। केंद्राध्यक्ष RC माहौर ने तत्काल पुलिस बुलाई और 5 युवकों को सुपुर्द कर दिया।
पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान अभिषेक रावत निवासी थरा, संजीव कुशवाहा निवासी छत्रीपुरा, अनिल वर्मा निवासी चार शहर का नाका ग्वालियर, उदय प्रताप राठौर निवासी हजीरा ग्वालियर तथा मंगल सिंह कुशवाहा निवासी भैंसाई के रूप में हुई। ये लोग दीपक, अवधेश गर्ग, दीवान सिंह व तो अन्य छात्रों के स्थान पर हाई स्कूल का पेपर देने आए थे। पकड़े गए पांचों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 तथा परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हाई स्कूल के संस्कृत विषय के पेपर में पर्यवेक्षकों तथा फ्लाइंग स्क्वाड ने कुल 56 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा। हायर सेकेंडरी की तरह हाई स्कूल में भी सर्वाधिक नकल प्रकरण मुरैना ब्लॉक में बने। यहाँ कुल 33 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। इसके अलावा पोरसा में 5, अंबा में 10, जौरा में 1, केलारस में 4 तथा सबलगढ़ में 3 नकल प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। पहाड़गढ़ में सोमवार को भी कोई नकल प्रकरण नहीं बना। दतिया महोत्सव के शुभारंभ पर बॉलीवुड सिंगर पलक मुंजाल ने शानदार प्रस्तुति दी और एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने गाए। फिल्मी गायिका पलक मुंजाल द्वारा गाए गए गीत तू ही ए मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं मुझको इख्तियार ने स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर चल रहे फाग महोत्सव में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पलक ने एक के बाद एक कई गीतों पर प्रस्तुति देखकर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। मौका था महोत्सव के शुभारंभ का। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पहले शहर के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े कवि व साहित्यकार हरी सिंह हरीश, पूर्व जिला संघ चालक गोविंद राव काले व कवि साहित्यकार ओम प्रकाश श्रीवास्तव का सौल श्रीपल व दतिया महोत्सव की ट्रॉफी प्रदान कर सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय कलाकार कंचन सक्सेना ने जो भेजी थी दुआ वो जागे अरमा गीत सुनाया। मंच संचालन जगत शर्मा, कपिल मुड़िया व जोगेंद्र सिंह ने किया। आयोजकों के मुताबिक 6 मार्च को महोत्सव के दौरान हास्य कवि सम्मेलन होगा। 7 मार्च को कलाकार दलेर मेहंदी का शो होगा। आयोजन से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान गायिका पलक ने कहा, जब किसी पीड़ित के दर्द को दूर करने के बाद उसे मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। स्थानीय होटल मोटल में उन्होंने गायकी के शुरुआती दिन का जिक्र किया। जब वे केवल 6 साल की थी तो उन्होंने कारगिल सैनिकों के लिए ए मेरे वतन के लोगो तुम खूब लगाओ नारा गाया था। इससे मुझे 25,000 रुपये इकट्ठा हुए तो उक्त राशि से मैंने एक बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन कराया था। ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी तक मैंने अपनी ओर से 1397 बच्चों को हार्ट का ऑपरेशन करा दिया है जो कि मुझे बेहद सुकून देता है। भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। दतिया में अवैध हथियार बनाकर उन्हें अपराधियों को बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के कब्जे से 20 हथियार और कारतूस बरामद हुए। उनाव थाना क्षेत्र से गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं, लेकिन ये 2 राज्यों में अपनी गतिविधियां बनाए हुए थे। इस गिरोह से जुड़े अन्य साथियों की तलाश के लिए आरोपियों को रिमांड पर लिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महेंद्र अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों का सौदा उनाव थाना क्षेत्र के राजापुर नहर एवं केरी माता मंदिर के पास होने वाला है। सूचना मिलने पर तत्काल एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह गौर एवं एसडीओपी भांडेर गुलाब सिंह के मार्गदर्शन में उन्नाव थाना प्रभारी रूपदमन सिंह राजावत की टीम बनाई गई और गिरोह को दबोचने के लिए भेजा गया। जैसे ही रूपदमन की टीम राजापुर फुलरा के बीच नहर मार्ग पर पहुंची तो चेकिंग शुरू की। वहां से एक बाइक राजापुर तरफ से तेजी में आती दिखाई दी। बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही पुलिस ने बाइक को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक ने रफ्तार कम करने की बजाय बढ़ा दी, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा किया और बाइक सवारों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से UP 93A 1186 नंबर की बाइक भी बरामद हुई है। श्योपुर देहा थाना क्षेत्र के गांव कलमी में रात्रि के दौरान एक मंदिर से गणेश मूर्ति चोरी हो गई, जिसका पता चलने पर ग्रामीणों ने सोमवार को देहात थाने आकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही जानपुरा के 3 लोगों पर संदेह भी जताया। पुलिस ने संदेहियों के नाम पूछने के बाद उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्राम कलमी के आदिवासी समाज के प्रमुख लोग सोमवार को थाने पहुंचे, जहां उन्होंने देहात थाना प्रभारी सतीश दुबे को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि स्कूल के पास बने गणेश मंदिर की जाली को 27-28 फरवरी की रात को कुछ लोगों ने तोड़ दिया और मंदिर से गणेश मूर्ति को चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने संदेह जताते हुए बताया कि जानपुरा के 3 लोग जिस दिन कलमी गांव में आए थे उसी रात को यह वारदात हुई।
इसलिए हमको अंदेशा है कि यह मूर्त चोरी की यह घटना उनके द्वारा ही अंजाम दी गई है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को संदेहियों के नाम बताते हुए कहा कि हम अपने स्तर से जानपुरा में पूछताछ करने गए तो उनके द्वारा हमको वहां से भगा दिया गया। मध्य प्रदेश का पहला गोदर्शन केंद्र श्योपुर के कलमी गांव में बनने जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृति देने के साथ ही राशि जारी कर दी गई है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गांव में मौजूद लोक देवता रामदेव मंदिर के पास की भूमि को इसके लिए उपयुक्त पाया है, जहां पर इसके निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 2 हेक्टेयर में इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से आधे हेक्टेयर में बाड़ा नुमा निर्माण होगा, जहां पर गौ दर्शन गायों के ठहरने का स्थान बनाया जाएगा और शेष भूमि में इन गायों के लिए चारे के इंतजाम के तौर पर नेपियर घास लगाई जाएगी, जिससे बाड़े के अंदर मौजूद गायों को चारे का संकट न हो। बताया जा रहा है कि गौदर्शन केंद्र में जिले में पाई जाने वाली देसी नस्ल और गिरी नस्ल के साथ ही मारवाड़ी नस्ल की गायों को रखते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। विभागीय सूत्रों की माने तो इसके लिए जिला प्रशासन ने 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जबकि शेष राशि का इंतजाम कलेक्टर के द्वारा मनरेगा आदि योजना से किया जाएगा। करीब 25 लाख का खर्च होना बताया जा रहा है। खास बात यह है कि गायों का यह पहला केंद्र होगा जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में बनकर तैयार होगा। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना अंतर्गत अवध अस्पताल के पास रोड पर सोमवार को दिन दहाड़े एक आंगनवाड़ी सहायिका के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक के साथ सहायिका व उसके पति व अन्य लोगों ने चप्पलों और लात मूसा से जमकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, महिला ने युवक पर चाकू से भी हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे युवक के पेट व हाथ में चोट आ गई। मारपीट के बाद महिला व उसका पति युवक को फिजिकल थाने ले गए, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोहिनी सागर कॉलोनी निवासी एक 36 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका ने मीडिया को बताया कि पिछले कई दिनों से उसके पड़ोस में रहने वाला युवक इमरान खान परेशान कर रहा था। हालांकि अब कुछ दिनों से इमरान फक्कड़ कॉलोनी में रहने लगा है। सोमवार दोपहर 12 बजे जब सहायिका अवध अस्पताल के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक इमरान ने सहायिका को अपनी बाइक से कट मारी। उस समय सहायिका के साथ उसका पति मौजूद था। तुरंत सहायिका व उसके शिक्षक पति ने इमरान को पकड़ लिया तथा सहायिका ने पहले से अपने पास रखे एक चाकू से इमरान पर हमला बोला तथा चप्पलों से उसकी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पति व अन्य लोगों ने भी इमरान पर अपने हाथ रमा कर लिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल साइट पर वायरल हो चुका है। बाद में इमरान को पकड़कर फिजिकल थाने लाया गया, जहां उसके खिलाफ सहायिका ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां बता दें कि आरोपी पूर्व में एक पुलिस थाने के वाहन को चलाने का भी काम कर चुका है, जिससे उसके हौसले बुलंद थे। मैं बच्चों को बुलाने जा रही थी, अचानक गाड़ी से पीछे से इरफान खान का नाम का लड़का आया, जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था। उसने चुना लड़की थी मेरी और उसने मुझे गिरा दिया। बोला अपने बचाव में मैंने उसको चाकू से सब्जी काटने वाला रखा था मेरे पास में आए थे, मैंने उसको मार दिया तो हाथ में उसकी चीना जबकि मैं लग गई अपने बचाव में। कहाँ की घटना है ये? सिकलती नगर। आज दिन मुझे धमका रहा था, तभी ये साथ की गाड़ी भी चलाता है कैमरिया सर की, तो मेरे से बोला तेरे आंगनबाड़ी की ड्यूटी से भी निकलवा दूंगा, तो मुझे परेशान करती है। तूने किसी से कहा वैगन लेट आती है कुछ भी करूँ? जगह सरकारी कर्मचारी है क्या? सर की गाड़ी चलाता है कैमरिया सर की, एक दिन आया था। शिवपुरी शहर की सिद्धेश्वर कॉलोनी में सोमवार की सुबह गणेशा प्लेस स्कूल की बस के ब्रेक फेल होने से एक गंभीर हादसा होने से बच गया। स्कूल बस बेकाबू होकर एक मकान में जा बसी। इस हादसे में स्कूल बस में सवार करीब आधा दर्जन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला सहित 1 साल का मासूम बच्चा बाल बाल बच गया। शहर में स्कूल बसों से लगातार हो रहे हादसों के बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी गंदारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गणेशा ब्लेस्ट स्कूल की बस क्रमांक MP07-06625 आज सुबह स्कूल के बच्चों को लेने के लिए सिद्धेश्वर कॉलोनी में गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब बच्चों को बस में बिठाने के बाद बस का चालक बस को बैक कर रहा था, तभी अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए और बस APC गोविंद श्रीवास्तव के मकान में जा घुसी, जिससे उनके मकान की बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में सुबह के समय अपने घर के बाहर बैठी वृद्धा राजोबाई धाकड़ और उसकी गोदी में बैठा एक मासूम सहित बस में सवार हुए स्कूली छात्र बाल बाल बच गए। यदि बस गोविंद श्रीवास्तव की दीवार से जाकर नहीं टकराती तो यह तय था कि घर के बाहर बैठी राजोबाई को कुचल देती। गोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे के बाद बस में सवार बच्चे इतने डर गए कि चीखते हुए बस में से उतरकर सीधे अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। हादसे के बाद बस सवार बस लेकर वहां से भाग गया। राजू धाकड़ क्या हुआ? क्या बस का क्या हुआ था? आपने देखा था? देखो वित्त बस आई है लोटस नो आ रही सोई में मोड़ा लेकर नो बैठी, वो भाई मर गए बस, वो और कच्ची देख।
तो बस क्या टकरा गई दीवार में और दीवार और आ गई। तो बस में बैठे कोई बच्चे बच्चे भी घायल हुए हैं क्या? नहीं बैठे बच्चे नहीं बच्चे नहीं 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 बच्चे नहीं। एडवोकेट क्या हुआ था ये अभी थोड़ी देर पहले जो स्कूल बस टकराई थी कौन से बस आती है उसमें बैग लिया तो उसके मेरे ख्याल हो गए थे माता जी मेरी चबूतरे पे कुर्सी पे बेटा बैठा हुआ था वो बस बैग आई माता जी ने देख लिया था वो भागी मर गए माता जी अंदर हो गए लेकिन हमारे पड़ोसी सेक्शन श्रीवास्तव जी हैं उनकी दीवार से टकराते गेट को तोड़ते हुए आई बस और मेरी मोटरसाइकिल से आगे तक चुप गई और चबूतरे पर किस स्कूल की बस गणेश अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर आग की लपटों में कमरे में सो रहे मासूम को बचाए सख्ती के चलते हाई स्कूल के 186 छात्रों ने की परीक्षा से तौबा राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद का अंतिम संस्कार अंतर्राज्य गैंग के दो सदस्यों से 20 कट्टे व कारतूस बरामद मंदिर से मूर्ति चोरी थाने में दर्ज कराई शिकायत कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार।